तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फास्ट लेन 2021 के कुछ लास्ट मिनट स्पॉयलर्स एंड रूमर्स। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एंड भाई रियली सॉरी जो लोग क्यू एन ए का वेट कर रहे थे यहाँ चैनल पर, क्यू एन ए इसलिए नहीं आ पाई, सुबह से भाई मेरा हेडेक हो रहा था और अब जाके थोड़ा ठीक हो पाया है, इसलिए जो वीडियो थोड़ी चैनल पर लेट आ रही है। लेकिन बाय द वे इस वीडियो के अंदर हम लोग फास्ट लेन 2021 के कुछ बहुत ही बड़े लास्ट मिनट स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें रोमन रेंज एंड डैनियल ब्रायन के मैच की एंडिंग भी शामिल है और रैंडी ऑर्टन एंड एलेक्सा ब्लिस के मैच में एक बहुत ही शॉकिंग विनर हो सकता है, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस हमें इस मैच को जो है वो जीते हुए नजर आने वाली है। तो भाई अगर आपको जानने बस आपको वीडियो में एकदम एंड तक बने रहना पड़ेगा, और साथ ही में अगर आपने अभी तक जो गेमिंग चैनल है वो चेकआउट नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है भाई, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। चैनल पर ऑलरेडी फास्ट लेन के काफी सारे गेम प्लेज आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी रैंडी ऑर्टन वर्सेज एलेक्सा ब्लिस का गेम प्ले भी आने वाला है। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फास्ट लेन 2021 के लास्ट मिनट स्पॉयलर्स की तरफ बढ़ने से पहले भाई क्विक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है। और इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो था वो फास्ट लेन पेपर व्यू से पहले एक आखिरी स्मैकडाउन का शो था, और वैसे शो की अगर बात करें तो भाई शो काफी एंटरटेनिंग था। मेन इवेंट के अंदर एज एंड जे उसो का मैच होता है, जो विनर होता है वो बनता है स्पेशल एनफोर्सर। तो क्या यहाँ पर रेटिंग्स बढ़ी या फिर नहीं, मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई वो इस हफ्ते रेटिंग्स को देखकर थोड़ी डिसअपॉइंट हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग्स आई है वो आई है 1.9455 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स 2 मिलियन से थोड़ी सी कम आई है। तो जरूर से स्मैकडाउन जो है वो डिसअपॉइंट होगा इस रेटिंग से, क्योंकि शो अच्छा गया था। वो अलग बात है कि स्टार्टिंग में हमें रोमन रेंज नहीं दिखाई दिए थे, तो शायद कहीं ना कहीं वो फैक्टर बना, क्योंकि शो की शुरुआत हुई थी साशा बैंक्स एंड नाया जैक्स के मैच के साथ। और अगर वही मैं पिछले हफ्ते व्यूअरशिप की बात करूं तो पिछले हफ्ते रेटिंग्स आई थी 2.01 मिलियन व्यूअर्स। बाकी भाई देखते हैं जो फास्ट लेन के बाद का स्मैकडाउन का शो होता है वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ रेटिंग्स गेन कर पाती है और वो क्या चीजें करती है फास्ट लेन में, जिससे स्मैकडाउन की रेटिंग्स हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार फास्ट लेन 2021 के कुछ बहुत ही बड़े लास्ट मिनट स्पॉयलर्स के बारे में जुड़ी है। और जो भाई पहला लास्ट मिनट स्पॉयलर आया सामने वो टीम रेट्रीब्यूशन को लेकर आया है, और मे भी जो टीम रेट्रीब्यूशन है उसका काम तमाम और खात्मा हमें फास्ट लेन के शो के अंदर ही दिखाई दे सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो टी बार है जो कि रेट्रीब्यूशन के मेंबर है जिन्हें हम डोमिनिक डिजोविक जानते थे एनएक्सटी के अंदर, उन्होंने अचानक से अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से सभी रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स को अनफॉलो कर दिया। अभी फिलहाल सिर्फ वो मेज को फॉलो कर रहे हैं, बाकी मुस्तफा अली से लेके बाकी सभी बंदों को उन्होंने यहाँ पर अनफॉलो कर दिया, उसका रीजन कोई सामने नहीं आया है। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग फास्ट लेन 2021 के यूएस टाइटल मैच के अंदर मे बी फाइनली जो हमें रेट्रीब्यूशन है वो टूटती हुई नजर आ सकती है और मुस्तफा अली अलग हो जाएंगे, और बाकी हो सकता है जो टी बार है वो भी हमें डोमिनिक डिजोविक के अपने रूप के अंदर वापस आते हुए नजर आए। अब भाई जो नेक्स्ट लास्ट मिनट स्पॉयलर जुड़ा है वो इस बार जुड़ा है रैंडी ऑर्टन एंड एलेक्सा ब्लिस के मैच के बारे में, जो कि एक इंटरजेंडर मैच होगा फास्ट लेन 2021 में। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि भाई रैंडी ऑर्टन एंड एलेक्सा ब्लिस का आपस में मैच होगा या फिर नहीं, सबसे बड़ा डाउट तो यही है, ऐसा तो नहीं कि फीड बीच में ही आ जाएंगे और मैच स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो भाई आपको बता दूं जो लास्ट मिनट र्यूमर्स आए सामने उनके अकॉर्डिंग इस मैच के अंदर एलेक्सा ब्लिस हमें रैंडी ऑर्टन को हराते हुए नजर आएंगी। इनफैक्ट जो बेटिंग ऑर्डर आए सामने उसमें भी एलेक्सा ब्लिस काफी तगड़े तरीके से फेवर कर रही है कि वो हमें रैंडी ऑर्टन को इस मैच में हराते हुए नजर आएंगी। इनफैक्ट लास्ट मिनट र्यूमर्स का ये भी मानना है कि मे बी इस मैच की एंडिंग ऐसी हो सकती है कि रैंडी ऑर्टन एलेक्सा ब्लिस के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन अचानक से जो एलेक्सा ब्लिस है लाइट्स ऑफ होंगी, वो रिंग से गायब हो जाएंगी और एलेक्सा ब्लिस हो जाएंगी ट्रांसफॉर्म एक न्यू रूप के अंदर, और फिर वो हमें हराते हुए नजर आएंगी रैंडी ऑर्टन को, और फिर वहां से हमें फीन का नया रूप डेब्यू होता हुआ नजर आएगा फास्ट लेन 2021 के अंदर। इसलिए भाई मैं इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड हूं। देखते हैं क्या रैंडी ऑर्टन अब एलेक्सा ब्लिस से भी हारने वाले हैं फास्ट लेन में। इस लास्ट मिनट स्पॉयलर को लेकर आपका क्या सोचना है आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। अब जो नेक्स्ट एंड फाइनल सबसे बड़ा स्पॉयलर है वो इस बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में जुड़ा है, जो कि फास्ट लेन में होगा और इसमें स्पेशल इन्फोर्सर भी ऐड हो चुका है। इस मैच में हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं डैनियल ब्रायन के खिलाफ। और भाई रिसेंटली टॉकिंग स्मैक का एक एपिसोड होता है और इस टॉकिंग स्मैक के एपिसोड के ऊपर पॉल हेमन कुछ बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स रिवील कर देते हैं इस यूनिवर्सल टाइटल मैच के विनर को लेकर। पॉल हेमन यहां पर ये कहते हैं कि देखो अभी भी जो रेसलमेनिया 37 का मेन इवेंट है ना वो बदल सकता है, क्योंकि फास्ट लेन के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डैनियल ब्रायन जीत जाएगा। डैनियल ब्रायन ना सिर्फ एक लोगों की होप है, लोगों का सपना है, लोगों की प्रेयर्स है कि भाई वो जाए वो रोमन रेंस को हराए, लेकिन जब आपके सामने रोमन रेंस आता है तो जो सारी प्रेयर्स है ना उनका वहीं काम तमाम हो जाता है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि डैनियल ब्रायन रोमन को हरा देगा ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो नहीं वाला, और रेसलमेनिया की पूरी इक्वेशन में रोमन रेंस जरूर इंक्लूड होंगी, क्योंकि काफी सारे लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि डैनियल ब्रायन टैप आउट करवाए रोमन रेंस को फास्ट
फास्ट लेन में। फिर डैनियल ब्रायन वर्सेस एज के बीच मैच होगा मेन इवेंट के अंदर, और आप रोमन रेंस को निकाल दोगे रेसलमेनिया के मेन इवेंट से, तो भाई ये तो मेरा स्पॉइलर है, गारंटीड ये बात है कि मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस होने वाले हैं। लेकिन मैं ये भी स्पॉइलर दे रहा हूं कि वो रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट है वो मे भी चेंज भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं भाई ये जो बात है वो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मैं फास्ट लेन से पहले की बात करूं तो लगता है ऐसे कि इस मैच की WWE कॉन्ट्रोवर्शियल एंडिंग में भी प्लान कर रही होगी, जिसे रोमन रेंस स्टिल चैंपियन भी रह जाएंगे, और रेसलमेनिया के अंदर हमें डैनियल ब्रायन भी इस मैच के अंदर ऐड होते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल ये कुछ चीजें तो हैं। इसके अलावा भाई जो WWE रिसेंटली आपको पता ही है वो पीकॉक नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, और रिसेंटली जो पीकॉक नेटवर्क है वो डैनियल ब्रायन को लेके एक जो शो है वो काफी जल्दी हमें प्रीमियर करता हुआ नजर आने वाला है, और इसका नाम है दिस इज डैनियल ब्रायन, जहां पर आपको डैनियल ब्रायन की पूरी जो कहानी वगैरह स्टोरी वगैरह वो पता लग जाएगी। और भाई यहां पर सबसे बड़ी बात ये कि जो पीकॉक नेटवर्क है वहां पर नीचे एक चीज लिख रहा है डैनियल ब्रायन के नेम के आगे, WWE 2021 हॉल ऑफ फेम इंडक्टी। अब इसका मतलब ये है कि जिसकी आप बायोग्राफी देख रहे हो, जिसकी आप कहानी देख रहे हो, एक्चुअल में वो 2021 का एक हॉल ऑफ फेम इंडक्टी है। मे बी WWE का एक ग्लिच हो सकता है, एरर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो वाइफ है ब्री बेला वो हमें इस साल हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होती हुई नजर आई है, पूरी की पूरी बेला ट्विंस, जो कि पिछले साल वैसे हो गई थी, लेकिन इस हफ्ते WWE उनको ऑनर करेगी टेलीविजन के सामने। तो इसलिए हो सकता है डैनियल ब्रायन वहां पर अपनी वाइफ को सपोर्ट करने आए, और WWE इसलिए यहां पर हॉल ऑफ फेम इंडक्टी मेंशन कर रही है। और भाई अगर आप लोग चैनल पर एक रेगुलर व्यूअर होगे तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मे बी जो रेसलमेनिया 37 है वो डैनियल ब्रायन का एक आखिरी रेसलमेनिया हो सकता है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है भाई जलेबी की तरह घुमाव फिराव हो गई है, और समझ नहीं आ रहा कि डैनियल ब्रायन रेसलमेनिया के अंदर उनका रोल क्या होगा, वो यूनिवर्सल टाइटल मैच में होंगे या फिर नहीं। बाय द वे ये चीजें तो हमें चलो कल ही पता लगने वाली है फास्ट लेन शो के अंदर। लेकिन भाई अभी फिलहाल ये थे कुछ लास्ट मिनट रूमर्स एंड स्पॉयलर्स फास्ट लेन 2021 से पहले। उम्मीद करता हूं आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आई नो काफी लोगों मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो भाई मेरा माइक एक बार फिर से कुछ सस्ते नशे करके बैठा है और वो चल नहीं रहा है, तो इसलिए भाई मैं बिना माइक के यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो रियली सॉरी, आप लोग मैनेज कर लेना अगर आपको आवाज थोड़ी अजीब लग रही हो। बाकी भाई ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। फास्ट लेन 2021 के रिजल्ट्स वीडियो के साथ काफी जल्दी आके मिलता हूं, बाकी गेमिंग चैनल पर जाके भाई ट्यून इन करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।